नेक्स्ट जो आपका चैप्टर वन का ही यूनिट टू आपको दिया हुआ है, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर बेसिकली प्रॉब्लम्स जो है वो कौन कौन से हम देखते हैं जो वो फेस करेंगे, एंड प्राइस मैकेनिज्म का क्या रोल होता है, बेसिकली प्राइजेस कैसे फिक्स होते हैं और उनका एक इकोनॉमी की पोजिशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है. सबसे पहले तो बेसिक प्रॉब्लम्स आपको दी गई, हर इकोनॉमी की जो है वो डिफरेंट रहती है. एवरी इकोनॉमिक सिस्टम बीट कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट और मिक्स, जो कि मैंने आपको कल बताए थे कि हमारी जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो इन तीनों लेवल पे वर्क करता है, कैपिटलिस्ट भी हो सकता है, सोशलिस्ट भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है, हैज टू डील विद दिस सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज रिलेटिव टू द वॉन्ट्स फॉर देम. यानी कि उनके भी अपने अपने सिस्टम्स की क्या रहती हैं, यही प्रॉब्लम्स रहती हैं कि उनकी जो वॉन्ट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है. दिस इज जनरली कॉल्ड द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है जो हर कंट्री फेस करता है. द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज फर्दर डिवाइडेड इंटू फोर बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. तीन तो इसमें से ऐसी हैं जो आपने अपने पहले इकोनॉमिक के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करना है, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए करना है. इसमें एक फोर्थ जो इन्होंने ऐड किया है वो क्या रहता है, व्हाट प्रोविजंस इफ एनी आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अगर कोई प्रोविजंस बनाने हो तो वो प्रोविजंस जो है वो कैसे होने चाहिए. बेसिकली ये ऐसी फोर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो हर एक इकोनॉमी क्या करता है, फेस करता है. अब सबसे पहले आता है व्हाट टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हम क्या डिसाइड करेंगे, अगर सिंपल टर्म में हमें बोला जाता है तो यही कि हमें क्या प्रोडक्शन करना है. बींग अ प्रोड्यूसर हमें हमेशा ये देखना चाहिए दैट बीइंग अ प्रोड्यूसर या बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम ऐसी कमोडिटीज को प्रोड्यूस करें जो सोसाइटी के सेक्शंस के लिए क्या हो, वैल्यूएबल हो, राइट. बिकॉज अगर कोई ऐसी चीज हम बना रहे हैं जो उनके किसी यूज की नहीं है, या फिर उसको बनाने से हमारे ही नेशन को या हमारी ही इकोनॉमी को फ्यूचर में जाके कोई हार्म होगा, तो ऐसी चीजें बनाने का कोई भी प्रॉफिट जो है वो हमें नहीं होता. सो हमेशा चीजें ऐसी होनी चाहिए जो कि हम क्या बनाएं, उनके लिए वैल्यूएबल हो, ऐसी ही कमोडिटीज का प्रोडक्शन किया जाए. सो सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एवरी सोसाइटी हैज टू डिसाइड व्हिच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच गुड और सर्विस शुड बी प्रोड्यूस्ड. यानी कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड रहते हैं, हमें पता है कि हमारे पास लिमिटेड है, सो हर सोसाइटी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि पहले तो कौन सी गुड्स और सर्विसेज बनानी है और उसके बाद कितनी यूनिट्स उसकी बनानी है, यानी कि कितनी क्वांटिटी में हमने प्रोड्यूस करना है. एन इकोनॉमी हैज टू डिसाइड वेदर मोर गन शुड बी प्रोड्यूस और मोर बटर शुड बी प्रोड्यूस, यानी कि इन दोनों में से चॉइस जो है वो उनकी है कि वो क्या बनाना चाहते हैं, और वेदर मोर कैपिटल गुड्स लाइक मशीन्स इक्विपमेंट्स एंड डैम्स एटसेट्रा विल बी प्रोड्यूस और मोर कंज्यूमर गुड्स सच एज सेलफोन्स विल बी प्रोड्यूस. यानी कि क्या चीज बनाना चाहते हैं, वो कैपिटल गुड्स बनाना चाहते हैं या फिर कंज्यूमर गुड्स बनाना चाहते हैं. नॉट ओनली द सोसाइटी हैज टू डिसाइड अबाउट व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, it has also to decide in what quantities each of these goods would be produced. In a nutshell, yani ki brief form mein hum kya bolte hain, that society must decide how much wheat, how many hospitals, how many schools and how many machines, how many meters of clothes etc have to be produced. Basic sa iska jo criteria hai wo kya rehta hai, that society ko, producers ko pehle se hi ye dhyan mein rakhna chahiye ki wo kaun si cheeze banana chahte hain, kya wo capital goods hongi ya consumer goods hongi ya fir aisi cheeze hongi jo ki किसके लिए यूज हो सकती है, आर्म्स एंड मिशंस के लिए, यानी कि जो डिफेंस के लिए यूज होती है, या फिर हम नॉर्मल जो हमारी कंज्यूमर गुड्स है वो बनाना चाहते हैं. प्लस इसके साथ हमें ये भी ध्यान में रखना होता है कि उनकी क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी भी अगर ज्यादा होती है तो उसका एक्स्ट्रा जो कॉस्ट होगा वो किसे पे करना पड़ेगा, सोसाइटी को, यानी कि प्रोड्यूसर्स को ही पे करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली वो प्राइसेस में हाई होके किसको मिल जाता है, फिर एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर्स पे उसका बर्डन आ जाता है. इसलिए इनकी क्वांटिटी और क्या बनाना है ये हमें पहले से ही डिसाइड करके चलना पड़ता है, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है वो आती है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि हम प्रोड्यूस करते कैसे हैं. हमने कल दो टेक्निक्स डिस्कस की थी, एक होती है लेबर इंटेंसिव और एक रहता है कैपिटल इंटेंसिव. वो भी अब डिपेंड करता है उनकी कॉस्टिंग पर, जिस टेक्निक की कॉस्ट हमें कम होगी हम उसी टेक्निक को ऑप्ट करते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि चीज कैसी है. अब अगर चीज ही ऐसी है जो कैपिटल इंटेंसिव मेथड से ही बनेगा तो हमने मेथड क्या करना है, वही ऑप्ट करना है. वी कांट गो फॉर लेबर इंटेंसिव टेक्निक इन दैट केस. सो हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर क्या आता है, देयर आर
various alternatives, alternative techniques of producing a commodity. For example, cotton cloth can be produced using hand looms, power looms or automatic looms. तीनों को use करके बना सकते हैं हम. Production with hand looms involves use of more labor and production with automatic loom involves use of more machines and capital. So a society has to decide whether it will produce cotton cloth using labor intensive technique or capital intensive technique. वही choice आ गई यहाँ पे. क्यों choice कैसे आ गई? क्योंकि alternatives हैं हमारे पास. दो alternatives हैं जिसमें से एक हम क्या कर सकते हैं, pick कर सकते हैं. Likewise, for all goods and services, it has to decide whether to use labor-intensive techniques or capital-intensive technique. इसी तरह cotton cloth की तरह बाकी भी चीजें जो भी बनती हैं, उनके regarding भी हमें ये method opt करने पड़ते हैं कि हम कौन सा opt कर रहे हैं. Obviously, the choice would depend on the availability of different factors of production, that is labor and capital, and their relative prices. मतलब choice कहाँ से आएगी? होती है जब हमारे पास alternatives होते हैं. और alternatives अगर होंगे तो उनकी अलग-अलग cost भी होगी, तो उनकी pricing भी matter करती है किसी भी अल्टरनेटिव को पिक करने के लिए. इट इज इन द सोसाइटीज इंटरेस्ट टू यूज टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन दैट मेक द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. तो ये सोसाइटी के इंटरेस्ट में ही होता है, उसके अकॉर्डिंग ही होता है कि वो प्रोडक्शन की कौन सी टेक्निक यूज करना चाहती है, सो दैट वो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज कर सकता है. ठीक है, थर्ड आपका आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि हमने बनाना किसके लिए है. Another important decision which a society has to take is for whom it should produce, यानी कि वो किसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं. A society can't satisfy each and every want of all the people. हर पर्सन की वॉन्ट को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते. हमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ऑप्ट करना पड़ता है कि हम बच्चों के लिए कोई चीज बना रहे हैं, या फिर टीनेजर्स के लिए बन रहा है, या फिर अडल्ट्स के लिए बन रहा है, या ओल्ड एज के लिए बन रहा है. देयरफॉर इट हैज टू डिसाइड ऑन हु शुड गेट मच ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हम जो भी चीज बनाएंगे वो किसको जो है वो क्या की जाएंगी, सर्व की जाएंगी. इन अदर वर्ड्स, इट हैज टू डिसाइड अबाउट द शेयर्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन द नेशनल केक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि नेशनल लेवल पर जो हमारी गुड्स और सर्विसेज बनती हैं, उसका कितना कितना शेयर हमने सोसाइटी के कौन कौन से सेक्शन को क्या करना है, प्रोवाइड कराना है. ठीक है, एंड लास्ट आपका जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कौन से प्रोविजन हम बना सकते हैं. A society would not like to use all its scarce resources for current consumption only. Society क्या नहीं करना चाहती, अपने सारे resources को presently use नहीं करना चाहती. और क्यों नहीं use करना चाहती वो, क्योंकि अगर उसने आज सारे use कर लिए तो future के production के लिए या future की consumption के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा. इसीलिए this is because if it uses all the resources for current consumption and no provision is made for future production, the society's production capacity would not increase. Obviously, agar aaj hi sare resources ko employ kar diya jayega to future ki planning ke liye aur future ki provisions ke liye hamare paas kuch bhi nahi bachta. So this implies that income or standards of living of the people would remain stagnant and in future the levels of living may actually decline. Wo aage jaake kya ho jayenge, kam ho jayenge. Iska kya matlab hai कि आज जो हम चीजें उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनको यूज कर रहे हैं क्योंकि उनकी इनकम इतनी है कि वो खर्च कर सकते हैं. अब आगे जाकर भी अगर उनकी इनकम कम हो जाती है या उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो हो जाता है तो क्या वो उन चीजों को यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. तो हमें उनकी वॉन्ट्स के हिसाब से उन चीजों को मॉडिफाई करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन वेस्ट हो जाएगा. इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, एक एफिशिएंट वे में अपने रिसोर्सेज को यूज करना हमें जरूरी होता है ताकि हम जो हमारी प्रेजेंटली डिमांड्स हैं कंज्यूमर्स की उन्हें तो पूरा कर ही करें, प्लस अगर हमारे पास रिसोर्सेज फ्यूचर के लिए भी हम अवेलेबल रखेंगे ना, तो फ्यूचर में अगर कोई पॉलिसी चेंज होती है या कंज्यूमर की टेस्टीज एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं तो उसके हिसाब से भी अपने प्रोडक्शन को हम क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं. तो प्रेजेंट में अगर थोड़ा सा सेक्रीफाइस हो जाएगा, कट हो जाएगा कॉस्ट में या हमारे प्रोडक्शन में, तो वो फ्यूचर के लिए हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो जाएगा. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ कि हमारी जो फोर इकोनॉमिक या सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं वो कौन सी होती हैं और उसके बाद हम उन्हें कैसे कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ओके, देन आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इकोनॉमिक सिस्टम एंड इट्स टाइप्स, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम कौन से होते हैं और आगे उनके टाइप्स क्या क्या है. An economic system refers to the sum total of arrangements for the production and distribution of goods and services in a society. एक सोसाइटी के अंदर हम किस तरीके से अपना प्रोडक्शन करते हैं और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसके बाद गुड्स का सर्विसेज का दोनों ही चीजों का कैसे किया जाता है,
वो किस तरीके से अरेंज होता है, कौन कौन सी पॉलिसीज या कौन कौन से डिसीजन उसके अंदर लिए जाते हैं, ये सारा का सारा एक इकोनॉमिक सिस्टम रेफर करता है. इन सोसाइटी इन शॉर्ट इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल डिवाइसेस व्हिच गिव इफेक्ट टू द इकोनॉमिक चॉइस. आगे फिर वही, जहां जहां आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे वहां वहां आपके पास चॉइस वर्ड आएगा ही आएगा. क्यों? क्योंकि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं जिनमें से हमें उसको क्या करना होता है, पिक करना होता है. सो इट इंक्लूड्स वेरियस इंडिविजुअल्स एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. बहुत सारे इंडिविजुअल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड करता है. एंड तीन तरीके की इकोनॉमी होती है जो कि एक मतलब कि हमारे इकोनॉमिक के अंदर हम स्टडी करते हैं. सबसे पहली होती है कैपिटलिस्ट, सेकंड होती है सोशलिस्ट एंड थर्ड होती है मिक्स. एक ब्रीफ इनका रीड क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, सोशलिस्ट वो होती है जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट का रोल होगा वहाँ पे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स अपनी मर्जी से प्रोडक्शन नहीं करते. एंड मिक्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि प्राइवेट भी होता है लेकिन उनके लिए कभी कभी कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है या कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है एंड उन्हें उनके उन्हीं क्राइटेरिया के अंदर रह के ही अपने प्रोडक्शन या अपनी सर्विसेज को क्या करना होता है, कंटिन्यू करना होता है. ठीक है, तो आगे आपका जो पॉइंट आता है वो आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. It is an economic system in which all the means of production are owned and controlled by private individuals for profit. अब ये तो हमने पढ़ लिया कि capitalist economy है, वहां पे जितने भी हमारे production की means होंगे या जो भी चीजें होंगी वो private individuals अब क्या करते हैं, own करते हैं. लेकिन for profit ये क्या मतलब है कि अगर हम suppose करो कोई भी एक बंदा है, कोई भी एक पर्सन अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, कुछ भी करता है, तो किस पर्पज से करता है? ऑब्वियसली प्रॉफिट मोटिव से करता है. वो सोशल वेलफेयर को अभी ध्यान में नहीं रख सकता. क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसे वो इन्वेस्टमेंट पूरा करना है जो उसने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाया था. तो ऑब्वियसली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और किस पर्पज से होते हैं, अपने प्रॉफिट अर्निंग के पर्पज से होते हैं. Then private property is the mainstay of capitalism and profit motive is its driving force. Private property इनका mainstay होता है, यानी कि जो land, जो machinery वगैरह जो ये use करते हैं वो इनका खुद का होगा और उसके बाद इनका driving force यानी कि इनका जो motivating force होता है अपने business को continue करने का वो क्या रहता है, profit motive रहता है. The government has limited role in the management of economic affairs under this system. वो हमने पहले पढ़ा कि government का बहुत little role होता है ऐसी economies के अंदर. Some examples of capitalist economy may include US, UK, Germany, Japan, Mexico, Singapore, etc. And an economy is called capitalist or a free market economy or laissez-faire economy if it has the following features. एक economy को हम तब capitalist economy या तब free market economy या laissez-faire economy मानते हैं अगर उसके साथ ये सारे के सारे features जो है वो include होंगे. अब ये जितने भी names यहाँ पे आए ना, कैपिटलिस्ट है, फ्री मार्केट है या लीज फेयर है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि पेपर में क्वेश्चन कभी भी सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम से नहीं आएगा. और आपको पता ही होगा कि आपके इस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग रहता है 0.25 का, राइट? तो हर चीज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना ताकि वहां पे मार्क्स कटिंग जो है वो कम से कम. उसके बाद आपके आएंगे फीचर्स. सबसे पहला आता है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी मीन्स दैट प्रोडक्टिव फैक्टर्स सच एज लैंड, फैक्ट्रीज एंड मशीनरी, माइंस एक्सेट्रा, जो भी ये लोग यूज करते हैं वो सारा का सारा क्या होता है, इनका अपना होता है, खुद का ये यूज करते हैं. सो द ओनर्स ऑफ दीज फैक्टर्स आर फ्री टू यूज देम इन एनी मैनर इन विच दे लाइक एंड बिक्वीथ एज इट्स दे डिजायर. इसका मतलब क्या है, जो इन फैक्टर्स के ओनर होते हैं वो जैसे मर्जी चाहे इन्हें क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिस मर्जी तरीके से चाहे यूज कर सकते हैं. एंड बिक्वीथ का मतलब होता है प्रॉपर्टी को लीव कर देना. लीव करने का मतलब कि अपनी विल के अकॉर्डिंग अगर ये किसी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं, किसी को दे देते हैं, तो वो भी इनकी अपनी विश है. ठीक है, तो मतलब यूज करना है तो भी अपने तरीके से करते हैं, कैसे करना है वो भी अपने तरीके से, और अगर प्रॉपर्टी को बिक्वीथ करना है, किसी को लीव करना है अपनी विल के अकॉर्डिंग, तो वो भी इनके पास राइट है. द गवर्नमेंट में हाउएवर पुट सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी इन जनरल. और इनके काम में वैसे तो गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, बट जहां जहां गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की जरूरत है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए, वहां वहां ये क्या करते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस इन पे लगा देते हैं. ठीक है, सेकेंड आता है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज. ईच इंडिविजुअल वेदर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और रिसोर्स ओनर इज फ्री टू एंगेज इन एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी पर्सन है, या कोई भी प्रोड्यूसर या रिसोर्स ओनर है, उसकी अपनी मर्जी होती है कि वो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोड्यूसर इज फ्री टू सेट अप एनी टाइप ऑफ फर्म एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हिज चॉइस.
एग्जाम्पल क्या है कि प्रोड्यूसर किस चीज के लिए फ्री है, कि वो किसी भी तरीके की कोई फॉर्म लगा के कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज अपनी चॉइस की बना सकता है, और कंज्यूमर्स के पास जो चॉइस होता है या जो फ्री होते हैं वो किस चीज के लिए होते हैं, कि वो अपनी मर्जी से किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन आता है फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। ऑल इंडिविजुअल्स आर फ्री टू मेक देयर इकोनॉमिक चॉइसेस रिगार्डिंग कंजम्पशन, वर्क, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एक्सेट्रा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हर पर्सन, वेदर इट इज प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, उनके पास पूरा चॉइस है, वो किसी भी इकोनॉमिक चॉइस को क्या करते हैं, ऑप्ट करते हैं। देन प्रॉफिट मोटिव, ऑब्वियसली जहां पे प्राइवेटाइजेशन आ गया वहां पे प्रॉफिट आएगा ही आएगा, क्योंकि उनका मेन जो एम होता है, जो मेन उनकी ड्राइविंग फोर्स होती है, जो किसी भी एंटरप्राइज को या कंपनी को आगे तक लेके जाता है, वो क्या रहता है, प्रॉफिट रहता है। सो प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स इन अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी एंड डायरेक्ट्स ऑल द economic activities. Desire for profit induces entrepreneurs to organize production so as to earn maximum profit. जितना ज्यादा वो profit earn करते चले जाएंगे, उतना ही ज्यादा उनकी driving force और ज्यादा strong होती चली जाती है कि उन्हें और production करना है, और sale करना है, and और ज्यादा profit कमाने हैं। तो profit motive जो है उनका main aim होता है capitalistic economy के अंदर, ठीक है। देन आता है कंज्यूमर सोवरेंटी। इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर जो है वो क्या है, किंग होता है कैपिटलिज्म के अंदर। कंज्यूमर सोवरेंटी मींस दैट बायर्स अल्टीमेटली डिटरमिन व्हिच गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ओनली बायर्स एंड कंज्यूमर्स ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज या कौन सी सर्विस जो है वो प्रोड्यूस करनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए। कंज्यूमर्स हैव अनब्रिडल्ड फ्रीडम टू चूज द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच दे वुड कंज्यूम। मतलब अनब्रिडल्ड फ्रीडम का मतलब होता है कि उनके पास अनकंट्रोलेबल फ्रीडम होता है कि वो किसी भी गुड्स और सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। एंड सोवरेंटी का मतलब होता है पूरी अथॉरिटी होती है, इसको हम रेफर करते हैं फुल अथॉरिटी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर्स होते हैं जिनके पास ये पूरी अथॉरिटी होती है कि वो कौन सी गुड्स और सर्विसेज को यूज करना चाहते हैं, कौन सी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कराना चाहते हैं और कितनी क्वांटिटी में कराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यही पढ़ा है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका अल्टीमेट एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग होता है। प्रॉफिट अर्न वो कहाँ से करेंगे, जब वो कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करेंगे, तो ऑब्वियसली उन्हें जो प्रोडक्शन है गुड्स और सर्विसेज का वो कंज्यूमर्स के टेस्ट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से ही करना पड़ेगा, तभी जाके वो अपने अनलिमिटेड प्रॉफिट्स को अर्न कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है कंपटीशन। कंपटीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कंपटीशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट अमंग बायर्स एंड सेलर एंड रिजल्ट इन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, उनकी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का और कंज्यूमर्स परचेज करते हैं उन चीजों को। तो ये कॉम्पिटिशन ही है जो उनको और ज्यादा इम्प्रूव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, हर साल या हर महीने ही लगा लो किसी ना किसी ब्रांड का कोई ना कोई नया मॉडल लॉन्च हुआ ही होता है, और हर मॉडल में एक डिफरेंट फीचर आता है जो बाकी की कंपनीज को स्टिमुलेट कर देता है कि हाँ अब उनकी सेल ज्यादा होगी तो हमें भी अपने मोबाइल के अंदर ये फीचर डालना चाहिए, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से डालना चाहिए, क्योंकि अगर सेम कर देंगे तब क्या बोला जाता है कि आप दूसरे ब्रांड को कॉपी कर रहे हो। तो ये जितना ज्यादा कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर आएगा उतना ज्यादा एक फर्म अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करेगी और उतना ही ज्यादा अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से यूज करने की कोशिश करता है, ठीक है। एंड उसके बाद है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कुछ एक सेक्शंस ऐसे होते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जहाँ पे गवर्नमेंट कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करती है सो दैट सोशल वेलफेयर वहां पे मेंटेन रहे, या फिर कुछ भी ऐसा ना हो जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए ना हो, लेकिन बाकी चीजों में जो गवर्नमेंट है उनका कोई भी रोल नहीं होता, इनकी अपनी डिसीजन मेकिंग होती है कि वो कैसे उसको करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम या डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट है हाउ डू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व देयर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। How do capitalist economies solve their economic problems? A capitalist economy has no central planning authority to decide what, how and for whom to produce. Capitalist economy के अंदर कोई भी central authority नहीं होती। Central economic authority का मतलब होता है central government, basically जो उसे control करने की कोशिश करती है, तो उनके पास ये चीज नहीं होता। In the absence of any central authority, it looks like a miracle as to how such an economy functions. तो ये एक miracle की तरह ही है कि वो economy कैसे work करता है। If the consumer wants cars and producers choose to make clothes and workers choose to work for the furniture industry, there will be total confusion and chaos in the country. अब इसमें तीन चीजें उन्होंने बता दी, क्या क्या
एक तो कि अगर कंज्यूमर क्या चाहते हैं, कार्स चाहते हैं कि वो कार्स जो है वो बनाए ज्यादा, लेकिन प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं कपड़ा बनाने को अपना चॉइस बना लेते हैं कि हाँ हमने क्या करना है, क्लोथ की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। और वर्कर्स क्या करते हैं, फर्नीचर इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, वो करना ही चाहते हैं कपड़ों की इंडस्ट्री में काम। तो यहाँ पे टोटल कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाता है, एंड क्योस क्रिएट हो जाता है, टेंशन क्रिएट हो जाती है कंट्री के अंदर। However, this doesn't happen in a capitalist economy. Such an economy uses the impersonal forces of market demand and supply or the price mechanism to solve this central problem. ये इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम्स क्यों नहीं आती, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर चीजें वही बनाई जाती हैं जो कंज्यूमर्स पसंद करते हैं, वहां पे ये प्रॉब्लम अराइज होता ही नहीं है। सबसे पहले वो क्या करते हैं, मार्केट का सर्वे करते हैं, मार्केट की कंडीशंस को स्टडी करते हैं कि कौन सी चीजें जो है वो बननी जरूरी है, एंड उनके बाद वो क्या करते हैं अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होती वहां पे, ठीक है। सो डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस जो है ये इसके अंदर यही बताया हुआ है, दैट एम ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू अर्न एज मच एज प्रॉफिट एज पॉसिबल, मतलब जितने ज्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है उतना ज्यादा वो करने की कोशिश करेगा। दिस कॉजेज बिजनेसमैन टू कम्पीट विद वन अनदर टू प्रोड्यूस दोज गुड्स विच कंज्यूमर्स विश टू बाय। तो ये क्या करता है, कॉम्पिटिशन के लेवल को बढ़ा देगा, जिसकी हेल्प से क्या होगा, प्रोड्यूसर्स वो चीजें बनानी ज्यादा स्टार्ट कर देंगे जिन्हें कंज्यूमर्स क्या करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। Thus, if consumers want more cars, there will be an increase in the demand for cars, and as a result, their prices will also increase. अब ये तो लॉजिक आपको पता है ना कि अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइसेस भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो यही चीज इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, a rise in the prices of cars, cost remaining the same, will lead to earn more profit. अब कार की डिमांड बढ़ गई, कार की सेल हमने बढ़ा दी है, ठीक है, तो हमारे जो प्राइसेस हैं कार के वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, लेकिन कार को बनाने की जो कॉस्ट है वो क्या रहने वाली है, वो तो सेम रहने वाली है ना, तो ऑब्वियसली ये जो मार्जिन होगा प्रॉफिट का ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस विल इंड्यूस प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस मोर कार, एंड ऑन द अदर हैंड इफ द कंज्यूमर डिमांड फॉर क्लोथ डिक्रीजेस, इसके प्राइसेस भी क्या होंगे, कम होंगे, एंड प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये कम्प्लीटली मार्केट के सर्वे पे डिपेंड करता है कि कंज्यूमर्स किन चीजों की डिमांड करते हैं, और उनके डिमांड के अकॉर्डिंग ही हम अपने जो चीजें हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं, हाई प्राइसेस पे सेल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट जो है वो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो ये जो मार्जिन होगा, जो गैप होगा उनकी कॉस्टिंग का और उनकी प्राइस का, वो ऑब्वियसली क्या रहता है, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस। How to produce का मतलब है कि कौन सी टेक्निक वो यूज करना चाहते हैं, एंड entrepreneur will produce goods and services choosing that technique of production which renders his cost of production minimum. एक producer हमेशा उस method को opt करता है जहां पे उसकी cost of production जो है वो क्या रहने वाली है, minimum रहने वाली है। If labor is relatively cheap, then he will opt labor intensive. और अगर labor जो है वो क्या है, costly है, तो वो क्या करेगा, capital intensive को pick कर लेगा। Thus, the relative prices of factors of production help in deciding how to produce. यानी कि इनके भी prices ने बताया, दोनों techniques के prices हैं अलग अलग, उन्होंने हमें guide किया, उनकी तरफ से हमें ये guidance मिलता है कि कौन सी technique को हमें जो है वो opt करना चाहिए, ठीक है। Next आता है deciding for whom to produce. Goods and services in a capitalist economy will be produced for those who have buying capacity. Obviously, goods किनके लिए बनाई जाएंगी, जिनकी buying capacity है, मतलब जो लोग कार खरीद सकते हैं उन्हीं के लिए कार बनेगी। Obviously, जिनकी buying capacity ही नहीं है या जिनकी income ही ऐसी नहीं है कि वो इतनी luxury चीजों को afford कर सकते हैं, तो obviously वो चीजों का production वहां पे नहीं होगा। So the buying capacity of an individual depends upon his income. वो income पे depend करती है। How much income he will be able to make depends not only on the amount of work he does and the prices of the factors he earns, but also on how much property he owns. अब एक person की जो income है, वो सिर्फ इस चीज़ पे depend नहीं करती कि वो कितने घंटे काम कर रहा है, ठीक है, या कितना काम कर रहा है, और मार्केट में जो प्राइसेस हैं, जो फैक्टर्स उसके पास हैं, उसके क्या प्राइसेस है, बल्कि इस चीज पर भी डिपेंड करती है कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो हायर द इनकम, हायर विल बी हिज बाइंग कैपेसिटी। जितनी ज्यादा उसकी इनकम होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी बाइंग कैपेसिटी होगी, एंड उतनी ही ज्यादा वो गुड्स की या सर्विसेज की जो है डिमांड है वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। सो अल्टीमेटली ये डिपेंड किस पे करता है, इनकम पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा इनकम, उतनी ज्यादा डिमांड, और उतनी चीजों की वो क्या करते हैं, डिमांड को यूज करके आगे के आगे चलते रहते हैं। Then deciding about consumption, saving and investment. उसके बाद ये तीनों डिसीजन के बारे में हमें सोचना है। Consumption and savings are done by consumers and investments are done by entrepreneurs. ये हमें पता है कि consumption और saving कौन करते हैं, consumers करते हैं,
और जो इन्वेस्टमेंट्स होती है वो कौन करते हैं, प्रोड्यूसर्स करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स करते हैं. कंज्यूमर सेविंग अमंग अदर फैक्टर्स आर गवर्न्ड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन द मार्केट. कंज्यूमर की जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसे, सेविंग होता है या जो भी वो अपना कंजम्पशन करते हैं, वो डिपेंड करता है कि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है. ऑब्वियसली अगर हम कहीं पे पैसा अपना सेव करते हैं, सबसे पहले हम जाके क्या चेक करते हैं, बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या है, कि हमें कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है. और दूसरी तरफ अगर हम इन्वेस्टमेंट पे चले जो कि प्रोड्यूसर्स करते हैं, उन्हें किस चीज पे ध्यान रखना होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि जितना कैपिटल उन्होंने किसी चीज में लगाया है या जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उस पे मिलने वाला रिटर्न कितना है. अगर तो रिटर्न ज्यादा है दूसरी फॉर्म से तो वो वहां पे अपना कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज वो क्या कर लेते हैं, उसे शिफ्ट कर लेते हैं. ये होते हैं इनके डिसीजन. जो कंजम्पशन एंड सेविंग का डिसीजन है वो किसका होता है, कंज्यूमर्स का, और इन्वेस्टमेंट का डिसीजन किसका होता है, प्रोड्यूसर्स का होता है. सेविंग डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रिवेलिंग इन द मार्केट, एंड जो इन्वेस्टमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल, यानी कि जितना कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया है किसी चीज में उस पे उनको जितना रिटर्न मिलेगा उस रेट पे डिपेंड करता है कि वो वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहती है या फिर नहीं करना चाहती. ओके, यहाँ तक हुआ क्लियर. उसके बाद आते हैं इसके मेरिट्स. मेरिट्स का मतलब होता है बेनिफिट्स, एंड देन आएंगे डीमेरिट्स, यानी कि इसके जो डिसएडवांटेजेस है वो क्या क्या है. सबसे पहले तो है इसके मेरिट्स. सबसे पहला, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रॉफिट मोटिव रिजल्ट इन ग्रेटर एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव टू वर्क. अपनी प्रॉपर्टी है जिसे हम यूज करके काम कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना हमारा क्या है, ड्राइविंग फोर्स है, मोटिवेटिंग फोर्स है. तो ऑब्वियसली ये हमारी एफिशिएंसी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है कि अपनी चीजों को यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हम कैसे कर सकते हैं. देन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू बी फास्टर अंडर कैपिटलिज्म. दिस इज बिकॉज द इन्वेस्टर्स ट्राई टू इन्वेस्ट इन नोट इन ओनली दोज प्रोजेक्ट विच आर इकोनॉमिकली फीसिबल. क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उन प्रोजेक्ट्स में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं जहां पे उनका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या रहने वाला है, मैक्सिमम रहने वाला है, एंड जो जल्दी से जल्दी लिक्विडेट हो सकती है, मतलब जल्दी जल्दी वो क्या कर सकते हैं, उन्हें कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं. तो उन्हीं मतलब प्रोजेक्ट्स में वो क्या करती है, इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करती है. थर्ड वन इज रिसोर्सेज आर यूज इन एक्टिविटीज इन विच दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव. रिसोर्सेज को क्या किया जाता है, उन एक्टिविटीज में ज्यादा इंप्लॉय किया जाता है जहाँ पे वो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट दे सकते हैं. This results in optimum allocation of the available productive resources of the economy. ये क्या करता है, हमारे जो productive resources हैं उन्हें हम optimum तरीके से कैसे allocate कर सकते हैं अपनी economy के अंदर, इसको ये promote करेगा. Fourth, there is usually high degree of operative efficiency under the capitalist system. High degree of operative efficiency का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट कमाना है, अपने रिसोर्सेज को अपनी प्रॉपर्टीज को यूज करके कमाना है, और ऊपर से कंपटीशन का लेवल भी जो है वो बहुत ज्यादा है. तो ऑब्वियसली अगर हमने एफिशिएंसी नहीं दिखाई अपने काम में या हमने अपने कॉस्ट कटिंग नहीं की तो हम किस में जाएंगे, लॉस में जाएंगे. तो ये जो ऑपरेटिव एफिशिएंसी का एडवांटेज होता है ना, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर को तो इन्होंने बिल्कुल इग्नोर करता, वहां पे तो इनका रोल है ही नहीं, प्रॉफिट कमाने की तरफ है. तो वो जितना ज्यादा कमा सकते हैं उतना ही एफिशिएंसी से, जितनी एफिशिएंसी से काम करेंगे उतना ही ज्यादा ये क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं. देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमाइज एज एवरी प्रोड्यूसर ट्राइज टू मैक्सिमाइज क्योंकि मेथड्स ऐसे पिक किए जाते हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो. कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कि जिनकी कॉस्ट क्या हो, कम हो. अगर हम कॉस्टिंग अपनी कम रखेंगे तो ऑब्वियसली जो प्रॉफिट होगा वो हमारी ही पॉकेट में आएगा, फिर प्राइसेस हम चाहे जैसे मर्जी फिक्स करें. ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफर इंसेंटिव फॉर एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजंस एंड देयर इंप्लीमेंटेशन. कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर अगर हम एफिशिएंट तरीके से काम करते हैं या एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसके लिए हमें क्या मिलते हैं, इंसेंटिव मिलते हैं. इंसेंटिव मतलब क्या, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है, डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, फिर और प्रॉफिट अर्न होता है, ये ऊपर के ऊपर प्रॉफिट हमारे एड ऑन होते चले जाते हैं. Consumers are benefited as competition forces producers to bring in a large variety of good quality products at reasonable prices. अब इसका फायदा किसको होता है, कंज्यूमर्स को होता है. क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन प्रिवेल होने की वजह से मार्केट के अंदर लार्ज क्वालिटी ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो बनाए जाते हैं और प्राइसेस भी रीजनेबल रखने पड़ते हैं. क्योंकि अगर प्राइसेस ज्यादा किए तो फिर जो कंज्यूमर्स होंगे वो दूसरे प्रोडक्ट की ओर शिफ्ट हो जाएंगे. तो इसका सीधा सीधा बेनिफिट किसको होता है, कंज्यूमर्स को होता है. दिस अलॉन्ग विद द फ्रीडम ऑफ चॉइस इंश्योर्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर्स एंड दिस ऑल्सो रिजल्ट्स इन हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ऑब्वियसली अगर वो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस पे यूज करते हैं तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. देन
कैपिटलिज्म ऑफर्स इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. कैपिटलिज्म जो है वो इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए भी अपने इंसेंटिव्स को जनरेट करता है. द कंट्री एज अ होल बेनिफिट्स टू ग्रोथ ऑफ बिजनेस टैलेंट डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च एटसेट्रा. मतलब कि जितनी ज्यादा अच्छी टेक्निक्स आगे आगे डिवेलप होती रहती हैं, इंट्रोड्यूस होती रहती हैं, उसका सीधा सीधा बेनिफिट जो है वो किसको होगा, कंट्री को ही होगा. क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी से अगर चीजें बनेंगी, एक तो वो बेटर क्वालिटी बनती है, दूसरा रीजनेबल प्राइसेस पे हम उनको क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करा सकते हैं. देन कैपिटलिज्म प्रिजर्व फंडामेंटल राइट सच एज राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. कैपिटलिज्म के अंदर ये दो राइट होते हैं, राइट टू फ्रीडम कि क्या चीज बनानी है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी फ्रीडम है, वो हम फ्री टू डिसाइड है कि हम क्या बनाना चाहते हैं. एंड राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, अपनी खुद की प्रॉपर्टी को हमने कैसे यूज करना है. सो देयरफॉर द पार्टिसिपेंट एंजॉय मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम. ऑटोनॉमी का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर्स, ठीक है. सो यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो मैक्सिमम ऑटोनॉमी को और फ्रीडम को एंजॉय करते हैं. देन कैपिटलिज्म रिवॉर्ड मैन ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज एंड पनिशेस द इम्प्रूडेंट एंड एफिशिएंट. कैपिटलिज्म के अंदर जिन्होंने अच्छा काम किया होगा उनको अप्रिशिएट किया जाएगा, एंड जिन्होंने नहीं किया होगा या इनएफिशिएंट तरीके से किया होगा उनको पनिश किया जाता है. पनिश इन द टर्म ऑफ डिडक्शन कर देना उनकी पेरोल में या उनकी किसी भी तरीके की वेजेस या बाकी किसी और में. देन कैपिटलिज्म यूजुअली फंक्शंस इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क एंड कैपिटलिस्ट सेटअप एनकरेज एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग एंड एमर्जेंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योरियल क्लास विलिंग टू टेक रिस्क. बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, ये एनकरेज करता है एंटरप्राइज को, एक कंपनी को, कि और ज्यादा वो रिस्क ले और ज्यादा अपनी तरफ से एफर्ट डाले ताकि आगे आने वाले टाइम में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो क्या हो, नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हमारी कंट्री के अंदर इंक्रीज हो सके. क्योंकि जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे उतना ज्यादा वो सफिशियंट प्रोडक्शन करेंगे, उसका अल्टीमेटली फायदा किसको होगा, कंट्री को ही होगा एट द एंड ऑफ द डे. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ. उसके बाद आपके आते हैं डिमेरिट्स. अब इतना पढ़ने के बाद डिमेरिट्स थोड़े बहुत तो आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं. बता सकते हैं कुछ अपनी तरफ से जो जो इनके डिसएडवांटेजेस रह सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के. सबसे पहले तो ये प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं और सोशल वेलफेयर को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं. ठीक है, तो वो तो इसके अंदर आएगा ही. दूसरा इसके अंदर क्या रहता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो है वो बहुत ज्यादा होता है, इनजस्टिस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम सोसाइटी के उस सेक्शन को टारगेट करते हैं जो कि हायर इनकम से बिलोंग करते हैं. ऑब्वियसली अगर वो हायर इनकम से बिलोंग करते हैं तो हमारी चीजों को भी ज्यादा यूज करेंगे, तो उनके लिए लग्जरियस गुड्स जो है वो ज्यादा बनाते हैं. तो ऐसे ही कुछ डिसएडवांटेज ये दिए हुए हैं, एक ब्रीफ रीड दे लो इनको. सबसे पहले है there is a vast economic inequality and social injustice under capitalism. Inequality reduces the aggregate economic welfare of the society as a whole and splits the society into two classes, namely haves and have-nots. यानी कि जिनके पास income है अच्छी और जिनके पास नहीं है. तो ये क्या करता है, inequality को generate करता है. Then under capitalism there is a precedence of property rights over human rights. यानी कि ज्यादा importance किसको दी जाती है, property rights को दी जाती है compared to human rights के. Then economic inequality led to wide differences in economic opportunities and perpetuate unfairness in the society. Economic inequalities जहाँ पे आ जाती हैं income को लेकर या expenditure को लेकर, वहाँ पे opportunities भी क्या कर दी जाती है, shift कर दी जाती है. यानी कि जो अच्छी section से belong करते हैं, have section से belong करते हैं, उनको opportunities दो, और जो have not से belong करते हैं उनको opportunities जो है वो कम दो. तो ये जो unequal सा division होता है ना, ये ultimately society के लिए harmful रहता है. Then the capitalist system ignores human welfare because इस setup के अंदर जो aim होता है वो क्या होता है, profit earn करना होता है, ना कि people का welfare करना होता है. Then due to income inequality the pattern of demand doesn't represent the real needs of the society. Income में inequality होने की वजह से कभी भी हमें real needs नहीं पता चलती society की. क्यों? क्योंकि जिनकी income ज्यादा है वो obviously luxurious चीजों की demand करेंगे and जिनकी कम है वो अपनी जरूरत की चीजों की demand करेंगे. तो इस वजह से real picture हमारे सामने नहीं आ पाती. Then exploitation of labor is common under capitalism. Very often this leads to strikes and lockouts. Moreover, there is no security of employment and this makes workers more vulnerable. Job security का problem इसमें क्यों रहता है? क्योंकि अगर किसी worker ने या कोई employee अगर अच्छे से काम नहीं करता तो हम उन्हें punish करते हैं. ये provision हमने पढ़ा ना ऊपर, वो कैसे रहता है कि उनकी wages कम कर दो या job से निकाल दो या कुछ और कर दो और efficient workers को लेकर आओ. तो इसकी वजह से क्या रहता है, उनकी job security हमेशा danger में रहती है. Then वो जिस environment में काम कर रहे हैं ना, जब तक वो efficiently कर रहे हैं तब तक वो टिके हुए हैं, और अगर उन्होंने कहीं efficiently नहीं किया तो या तो उन्हें वहां से निकाल दिया जाएगा या फिर उन्हें क्या कर दिया जाएगा, डिग्रेड कर दिया जाएगा. Then
Consumer sovereignty is a myth as consumers often become victims of exploitation. Excessive competition and profit motive work against consumer welfare. ये हमने point पढ़ा था कि consumers के पास पूरी power होती है कि वो क्या चीज बनवाना चाहते हैं, मतलब उनके हिसाब से ही बनेगा. बट एक्चुअली में ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि एक्सेसिव कंपटीशन होने की वजह से और प्रॉफिट मोटिव बहुत ज्यादा होने की वजह से कभी कभी हम कंज्यूमर्स के वेलफेयर को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं. मिस एलोकेशन होता है रिसोर्सेज का, क्योंकि जो चीजें हैं वो लग्जरी गुड्स की ज्यादा होती है, ज्यादा प्रोडक्शन होता है, लेस वेज गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन अकाउंट ऑफ देयर लोअर प्रॉफिटेबिलिटी. ऑब्वियसली चीजें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर वही बनेंगी जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो. जहां प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो वो उन चीजों का प्रोडक्शन करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं. Less of merit goods like education and healthcare will be produced. On the other hand, a number of goods and services which are positively harmful to the society will be produced as they are more profitable. यही पहले वाला point हो गया कि welfare के लिए तो हमने कोई काम करना ही नहीं होता, ना education से related ना health से related, बल्कि उन चीजों का production किया जाता है जो कि उनके लिए harmful भी है society के लिए, plus उनके लिए क्या रहती है, profitable भी रहती है. Due to unplanned production, economic instability in terms of overproduction or economic depression, unemployment etc. is very common under capitalism and this result in a lot of human misery. यानी कि unplanned production होने की वजह से बहुत सारे economic problems हैं जो यहाँ पे arise होती हैं, जैसे कि unemployment का हो गया या poverty का हो गया या unequal distribution of income हो गया. तो इनकी वजह से क्या रहता है, हमेशा human rights जो है वो पीछे रह जाते हैं. Then there is enormous waste of productive measures as firms spend huge amount of money on advertisement and sale promotion activities. Productive measures पे खर्चा करने की बजाय वो क्या करते हैं, advertisement पे ज्यादा पैसा लगाते हैं और promotional activities पे लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जितना ज्यादा वो marketing करेंगे उतना ज्यादा उनकी product की sale जो है वो क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी. Then capitalism leads to the formation of monopolies as large firm may be able to drive out small one by fair means. Capitalism क्या करता है, monopolies में ज्यादा करता है, क्योंकि अगर वो सिंगल सेलर रहेंगे ना तो ऑटोमेटिकली उनके प्राइसेस भी ज्यादा रहते हैं और उनका प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. And last is excessive materialism as well as conspicuous and unethical consumption led to environmental degradation. और ज्यादा materialistic चीजें यूज करने की वजह से या unethical consumption करने की वजह से हमारा जो environment है वो भी क्या होता है, degrade होना start हो जाता है. Okay? समझ में आ रहा है यहाँ तक कोई doubt है तो बोलो. कोई डाउट